कादिर पटेल की रेंजर्स से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर आ गई। तफ्तीश के दौरान कादिर पटेल खातिर खास जवाब ना दे सके। कादिर पटेल की रेंजर्स से तफ्तीश की अंदरूनी कहानी मंजरे आम पर आ गई, खातिर खास जवाब ना दे सके। इस बारे में जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे जिले हैदर से। जिले हैदर बताइएगा, तफ्तीश में क्या कोई बात सामने आ सकी? जी देखिए, कादिर पटेल को जिन्हें रेंजर हेडक्वार्टर तलब किया गया था, 11:05 पे वो यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसके बाद तफ्तीश का आगाज किया गया। रेंजर्स के आला अफसरान भी यहाँ मौजूद थे, एक डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद था। उनसे पहला सवाल तो ये किया गया कि वो उज़ैर बलोच को कब से और कैसे जानते हैं, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि मुझ समय पीएस पार्टी के दीगर रहनुमा जो है वो उज़ैर बलोच से वास्ता रहा है और ताल्लुकात रहे हैं। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया कि आपने उज़ैर बलोच को मुल्क से फरार कराने में सहूलतकार का किरदार अदा किया है और बदरिया रोड जो है उनको फरार कराया है और जिसमें जो है उनकी अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल हुई है, जिसका जवाब उन्होंने नफी में दिया है। इसके अलावा उनसे पुलिस एहलकारों और आला अफसरान के बारे में भी पूछा गया कि आप जो है उज़ैर बलोच बिहारी गैंग वॉर के जो सरगना है, उनके कहने पर कराची के बेशतर इलाकों में पुलिस के आला अफसरान SHO और SSP तैनात कराते थे, जिसपे उन्होंने नफी में जवाब दिया। कुछ देर के बाद सवाल के जवाब देने के बाद कादिर पटेल की अचानक जी शुक्रिया जिले हैदर।